हाल सात में से अनाउंसमेंट की गई है बीजेपी की तरफ से और मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया। और अगर हम दिग्गजों की बात करें तो अमित शाह एक बार फिर से गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, पोरबंदर से मनसुख मांडविया गुजरात के वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ अगर आपको और तस्वीरें हम बताना चाहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ ही और जो बड़े चेहरे फिलहाल सामने आए हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया है, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके साथ आप देखिए राजकोट जो कि गुजरात की सीट है वहां से पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव लड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ेंगे, आगरा से एसपी बघेल चुनाव लड़ेंगे, उन्नाव से साक्षी महाराज को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट रिपीट किया गया है, हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से सरोज पांडे को टिकट दिया गया है, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल चुनाव लड़ेंगे, यहां पर भी सीट में परिवर्तन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र कुमार देखा जाए तो 195 की इस लिस्ट में कई सीटों पर परिवर्तन हुआ है, खासतौर पर दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, बड़े परिवर्तन यहां पर किए गए हैं। और बिल्कुल देखिए विप्लव देव का नाम आया है त्रिपुरा से जो राज्यसभा में भी थे, और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा बांसुरी स्वराज, ये कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज के जो पार्टी के प्रति काम था, और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में प्रवक्ता के तौर पर या पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरने की काफी मशक्कत की, काफी बेहतर काम किया, उसी का नतीजा है कि नई दिल्ली से उनको टिकट दिया गया है बांसुरी स्वराज को। लेकिन सरप्राइज है कि रमेश भिदुड़ी उनका टिकट कटा है, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, वहां पर विष्णु मित्तल और पीयूष गोयल का भी नाम चल रहा था लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जो आप जानते हैं कि प्रचलित नाम है प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली में बिजनेस कम्युनिटी में, उनको टिकट दिया गया है। रामवीर सिंह भिदोड़ी जो दिल्ली प्रदेश में विधायक है उनको टिकट दिया गया है। तो रामवीर चांदनी चौक से अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन पहले ही से टिकट कटना तय था, और इसके अलावा जो सरप्राइज अगर कहा जाए तो देखने में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को तो टिकट दिया गया लेकिन वसुंधरा राजे अपनी टिकट बचाने में कामयाब रही, वो प्रदेश की राजनीति में रहेंगी, उनके बेटे को टिकट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। बाकी अधिकतर टिकट देखा जाए पहले भी बात हो रही थी, बिल्कुल पहले भी बात हो रही थी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, और आप देखिए दुष्यंत सिंह और बड़ी संख्या में युवाओं को भी मौका इस लिस्ट में दिया गया, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से एक बार फिर यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से।